ये बहुत अच्छी बात है कि पलवल जिले में ये जो रेशो इतना बढ़ करके हमारे सामने आया है, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि पलवल धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है हर क्षेत्र में, उसी तरह से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना बहुत अच्छा माना जा रहा है। सभी इस बात से बहुत खुश हैं और वैसे भी बेटियाँ जो हैं किसी भी तरीके से बेटों से कम नहीं नज़र आ रही हैं। और हम खुद भी सिर्फ 5 बहनें हैं, हमारा भी कोई भाई नहीं है। और हमने मतलब अपने पापा का नाम, सभी जो 5 सिस्टर हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, और हमने भी अपने पापा का नाम बहुत रोशन किया है पलवल जिले। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हिंदुस्तान की, हरियाणा की और ख़ास तौर से पलवल की सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज, और जब पलवल की सबसे पहले आप बता रहे हैं खुशखबरी दी, तो महिला सशक्त हो रही है, जागरूक हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मैं पलवल ज़िले में आकर और पहला जब आपसे मैसेज ये सुन रही हूँ तो मैं गदगद हो गई हूँ कि आधी आबादी बढ़ रही है, आधी आबादी पूरे हक की तरफ बढ़ रही है, सम्मान समानता और सुरक्षा की तरफ अग्रसर है। और हमारी बेटियां जो 2015 में मनोहर लाल जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सार्थक हुआ है।